अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक 99 न्यूज और मैं हूं नायला भट्टी। शामिल करते हैं इस वक्त तक की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं बाग आजाद कश्मीर से, जहां तौसी मरकज सोहावा शरीफ कच्छल मोरीन मौसम सरमा की सब्जियात के हवाले से महकमा ज़राअत धेरकोट की जानिब से ट्रायलिंग और मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महकमा ज़राअत का कहना है कि अपना उगाओ अपना खाओ की तरफ तमाम लोग तवज्जो दें ताकि इस महंगाई पर काबू किया जा सके। आवाम इलाका ने महकमा ज़राअत धेरकोट की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर फील्ड माउन ज़राअत सखावत हुसैन शाह साहब सी सप्तन हुसैन शाह साहब ने लोगों को ट्रेनिंग भी दी। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा पाक 99 न्यूज़ एहतशामुल हक अब्बासी। और बोल 10-15 दिन के अंदर तकरीबन ये काश्त का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मैं पूछता हूँ कि महकमा ज़राअत का गंदम के हवाले से और खाद के हवाले से क्या पॉलिसी है, वो हमें किस तरीके से खाद जो है वो देंगे और इसी तरीके से गंदम किस तरह देंगे, फिर इसकी क्या पॉलिसी होगी, हमने इसको बो किस तरह बोना है, किस सीज़न में किस हिसाब से पानी का मकदार कितना होना चाहिए, उस एतबार से तो इंशाल्लाह इस हवाले से मैं सखावत साहब से बात करूंगा कि हमें इसे इस पर थोड़ा सी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा नाम सखावत अली शाह, फील्ड मावन तौसी, मेरे को सवाल शीफ। मैं इस टाइम अपने एक मौजा कच्छुल मोरी में शहीद इलियास हुसैन शाह साहब के खेत में हम मौजूद हैं। तो मैं जो वक्त हमारा आ रहा है आगे गंदम की काश्त के हवाले से, तो मैं सबसे पहले महकमा ज़राअत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के वीओ और जनाब सेक्रेटरी ज़राअत सरदार जावेद अयूब साहब के वीओ के मुताबिक ज़्यादा गंदम उगाओ की पॉलिसी पर अमल करते हुए मैं गुजारिश करूँगा तमाम किसान भाइयों से। मजीद खबरों अपडेट्स और तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक 99 न्यूज़। अल्लाह निगेबान।